लो। नहीं आवत है साहब, ये साइड आवत। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको कुछ विशेष आध्यात्मिक चीज़ों की ओर ले जा रहा हूँ। ये सतना और जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है ये। ये सरभंगा के स्थान नाम से ये स्थान जाना जाता है। फिरतार हो गए ये जो है, तो ये प्राचीन सरभंग मुनि की ये यज्ञ वेदियाँ 108 जो प्राचीनतम धरोहर के रूप में इनका जीर्णोद्धार कराया गया है। ये जंगल है हमारा, इन जंगलों के पीछे से वहाँ उत्तर प्रदेश लग जा रहा है अपना, और ये तमाम यहीं पर बैठ करके ऋषि मुनि हवन किया करते थे, और ये मुख्य यज्ञ वेदी है। और ये तमाम स्थल पुरातात्विक धरोहरों से परिपूर्ण है। दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि आध्यात्म की दृष्टि से सभी संत महात्माओं की ये प्राचीन स्थली रही है। और दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाऊंगा जिसमें लगता है कि यहाँ पर पहले बहुत ही प्राचीन परंपरा रही होगी, जिसमें इन पत्थरों पर की हुई कटाई छटाई से ये आपको पता चलता है। आप आइए देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर ले आइए कैमरामैन। मित्रों ये जो बना हुआ, ये प्राचीन संस्कृति की पहचान है। ये जो बना हुआ है चक्र, इसमें या पहिया कह सकते हैं, ये प्राचीन संस्कृति की देन है। ये पत्थरों पर कटाई छटाई ये जो बना हुआ है, ये पूरा और मित्रों मैं आपको दिखाता हूँ। जो शायद गुप्तकालीन शासकों की समय की लग रही हैं, प्राचीन मूर्तियों पे, प्राचीन पत्थरों पे ये कलाकृतियाँ जो हमारे प्राचीन संस्कृति को दर्शाती हैं, हमारे विरासत को दर्शा रही हैं। कितनी सुंदर हैं ये आकृतियाँ, कितना बढ़िया है इन पे ये की हुई मूर्तियों पर ये डिज़ाइन। ये देखिए, ये अब ये जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, क्योंकि भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार इन सब चीज़ों पर अपना ध्यान नहीं दे रहे, तो अच्छा खासा यहाँ से राज्य को और देश को वित्तीय सुविधाएं मिल सकती हैं, जिससे राज्य और भी अच्छे पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। ये सभी आकृतियाँ दोस्तों आप देख सकते हैं। तो ये प्राचीन सरभंग मुनि के आश्रम के पीछे तरफ का हिस्सा है ये, और ये यज्ञ वेदियों के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। ये पूरा घनघोर जंगल है, और चूंकि यहाँ पानी के अविरल स्रोत हैं, जिसपे जंगली जानवर खासकर शेर बाघ का इस समय सबसे ज़्यादा निवास इसी स्थान पे है। नीचे दो गुफाएं भी हैं मित्रों, मैं जो आपको आगे चल के बताऊँगा। तो ये यज्ञ वेदी कहलाता है सरभंग मुनि आश्रम का। सरभंग मुनि मेरे इस तरफ दाएँ हाथ की तरफ है, और यहाँ से पीछे से पानी का विरल स्रोत बह रहा है इसी दाएं तरफ से। तो दोस्तों और इसी तरह की चीज़ों से मैं आपको परिचय कराता रहूँगा। मैं ओम प्रकाश मिश्रा, बिरसिंहपुर सतना, मध्य प्रदेश। नमस्कार दोस्तों।